अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सीख कबाब की रेसिपी। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सीख कबाब के लिए आपको चाहिए होगा, पहले तो गाय के गोश्त का कीमा। गाय के गोश्त का कीमा ना हो तो आप चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको चाहिए होगा नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला। गरम मसाले के बाद ये ज़ीरा था जिसको मैंने तवे पे भून कर पीस लिया। इसके बाद कुटी मिर्च है, और उसके बाद ये मार्केट में आराम से पिसा हुआ मिल जाता है कश्मीरी पाउडर, और किसी भी ब्रांड का, शान का ले लें या नेशनल का ले लें, ये सीख कबाब थोड़ा सा मसाला। उसके बाद एक कप दही ली थी मैंने। ये हमारा आ गया गाय के गोश्त का कीमा, और ये सारा सामान, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये प्याज मैंने ब्राउन करने के लिए रख दी थी। जब प्याज मेरी ब्राउन हो जाएगी तो मैं प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट को, दोनों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी और इस कीमे में शामिल कर लूँगी। अब हम सारी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। अब ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे हम। ये सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए। इसके बाद हम डालेंगे इसमें, जब आप सारे मसाले इसमें ऐड कर लें तो प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर ब्लेंड कर लीजिएगा ताकि ये सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, क्योंकि हाथ से ये सही से मिक्स नहीं होंगे। अच्छा, फिर हम इसमें डालेंगे दही, और जो हमने लहसुन अदरक के पेस्ट में प्याज को ग्रेट किया था वो डाल देंगे अच्छी तरह से ब्लेंड करके। ये लहसुन अदरक के पेस्ट में प्याज को ब्लेंड किया था ये वो है, अब इसको ऐड करेंगे। ये फंस चुकी थी इसलिए इसको निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था, थोड़ा टाइम लगा लेकिन ये खुद निकल आई आराम से। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सीख कबाब में अच्छा टेस्ट आए, तो वो भी बारबेक्यू जैसा टेस्ट आए, तो आप कोयला लेकर उसको चूल्हे पे रख दें, उसको अच्छी तरह से जला लें। जब वो जल जाए तो मसाले के बीच में उसे कोयले को रख कर उसमें ऑयल डाल दें, और ये धुआं बनने लगेगा तो आपने प्लेट से ढक देना है। इसको 5 मिनट तक कवर करके रख दें। अब इसमें बारबेक्यू जैसा टेस्ट आ जाएगा, और अब आप इसको फ्राई कर लें, आपके सीख कबाब तैयार हो जाएंगे। सीख कबाब के साथ अगर आप चाहें तो रायता भी बना सकते हैं। मैंने सिंपल सा आइटम बनाया था, उसके अंदर पुदीना डाला था, हरी मिर्च डाली थी और भुना हुआ ज़ीरा डाला था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।